टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में बबलू सेमना, जो कि एनसीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उनकी कार्यालय की उद्घाटन करने पहुंचे कल वह मुंब्रा के आमदार व महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाट। इस मौके पर सैयद अली भाई साहब, आनंद परांजपे, सानू पठान व परिवहन समिति के सदस्य, कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान तथा मुंब्रा कौसा के सभी नगर सेवक। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह की हुजूम रहा है कार्यालय उद्घाटन के दौरान। साथ ही इस दौरान कई लोगों को पद भी दिया गया है, पद बांटा गया है, जिसके बाद मंच से बोले मंत्री जितेंद्र अहवाट, रेलवे से लगकर जो झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पुनर्वास के बाद ही खाली होगा वरना नहीं होगा। सिर्फ मुंब्रा कलवा की बात नहीं है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों के झोपड़े पटरी से लगकर हैं, यानी 5 लाख से अधिक लोग जो है झोपड़े धारक हैं। सुनिए मंत्री जितेंद्र अहवाट ने क्या कुछ कहा है। मुझे पहला सवाल सुना नहीं किया था ऐसी ऐसी नोटिस आई है आपको, तो रेलवे की संतोष नगर में, बराबर है ना, संतोष नगर के लोग कहाँ हैं? तुमको पहली नोटिस आई और दूसरी नोटिस आई उसके 3 घंटे में रात को 9:30 बजे में वहां पहुंच गया, बराबर है। और तभी से लेकर कल तक जब मेरे सामने रेलवे के भारत के मिनिस्टर बैठे थे, तभी भी मैंने उनको कहा, उनका नाम वैष्णव है, ये वैष्णव जी, मैं गृह निर्माण मंत्री हूं, मेरी झोपड़पट्टी वासियों के लिए योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ इन झोपड़पट्टी वासियों को देना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ संतोष नगर की बात नहीं है, से लेके कल्याण के आगे तक, टिटवाला, उल्लासनगर तक, ऐसी कई झोपड़पट्टियां हैं जो रेलवे को लगते हैं। मैं बोला उनको निकालने के लिए आपको गोलियां चलानी पड़ेगी और वो गोलियां झेलने के लिए पहले हम खड़े रहेंगे, हम आपको इसकी झोपड़ी तोड़ने नहीं देंगे। आपके पास बहुत जमीन है, रेलवे के पास करोड़ों रुपये की जमीन है, कुछ जमीन इन झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दो, इनका भला करो, इनको घर दे दो और बाद में तुमको जो करना है करो, ये तुम्हारा वचन देते है। तुमसा झोपड़ा पासा बाप फल शकत नहीं, देनी शकत है। अरे हे तुमच्यासाठी नाही करत आहे, तर मुंबईतल्या गरीब लोकांनी ज्या झोपड्या बांधल्या त्यापेक्षा गरिबीमुळे बांधल्या आहेत। लेकिन वो हफ्ता लेने वाले भी ये सोचे कि उनके कारण यहाँ के औरतों को बहुत तकलीफ है, दुकान के आगे एक गाड़ी में समझ सकता हूँ, दूसरी गाड़ी समझ सकता हूँ, लेकिन तीसरी और चौथी गाड़ी खड़ी तो गाड़ियां जाएगी कैसे, अंदर आदमी घुसेगा कैसे? पुलिस खड़े हैं, पुलिस ने अगर चाहा तो तीसरी और चौथी गाड़ी नहीं लग सकती, आपका धंधा बहुत बहुत ताकत रखता है और आपको कानून हक है कि रस्ते पे लगाई हुई गाड़ी को 1200 रुपया दंड करना। मुझे आज भी याद है सोंडे नाम का एक साहब हुआ करता था जिसको पूरा मुंबई रहता था, अरुण सोंडे, वो शाम को अपनी लेके निकलता था और भीख वाली खेल को पकड़ के तो 1200 रुपया ठोकी देता था, गाड़ी लेके जाते, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके बाद तीसरी लाइन लगाए। मैंने परसों कहा कि गुलाब मार्केट की जो गाड़ियां बनी है उससे उसके कारण पिछले 5 सालों में 12 मौतें हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस ही जाम होती है। हमारा विरोध हॉकर्स को नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हॉकर्स आटा रहा, उनका भी पेट है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा पैसा मिलना चाहिए, पर पैसे मिलाते मिलाते मिलाते
रहने वालों को ही तकलीफ देने लोगों का क्या। वैसे इस शहर में शांति है, अमन है, चाहे वो शाही नगर हो, संतोष नगर हो, प्रकाश कॉम्प्लेक्स हो, पीछे का इलाका हो, बॉम्बे कॉलोनी हो, कहीं पे कभी मैंने विवाद पिछले 15 सालों में नहीं देखा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक रहते हुए उनके रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लग रहा है चलिए हिसाब बहुत चल रहा है ना, कोई चिंता मत करो। और ये चलेगा आज तारीख क्या है, 17 दिन और है, 17 दिन, 17 दिन के बाद हिसाब खत्म हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाए। ये सब तो किया जा रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव है। हिंदू मुसलमान की एकता कैसी दिख रही है, यहां से उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग कितने, आपको नहीं पूछा हाथ ऊपर कीजिए, उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग बहुत। आप अगर जा नहीं सकते तो कम से कम वहां संदेश पहुंचाओ कि अक्लियत में वोटों का बंटवारा करने जो जो पहले पहुंचे हैं उनको हटा करके उसको साइकिल पे बिठा लो सबको बस। और यह संदेश भेजो, मैं राष्ट्रवादी पार्टी के घड़े हूं लेकिन मेरा वहां अखिलेश यादव से दोस्ती भी है और हम उनके साथ भी हैं। मैं खुद वहां जाने वाला हूं 3 दिन के लिए। हिजाब में भी अगर मैं बधाई नहीं मांग रहा हूं लेकिन हिजाब का भी पहला आवाज भारत में मैंने उठाया। आज इस ऑफिस की ओपनिंग के लिए मैं आया था, ऑफिस ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शर्मा की ऑफिस है। मैं बबलू शर्मा को ब्लॉक प्रेसिडेंट करके पता नहीं बात, लेकिन तकलीफ के समय जब उसने कब्रस्तान का काम करके दिया है उसको बहुत दुआएं। जब इस शहर के चंद लोग कब्रस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, सियासत कर रहे थे जो हमको नहीं करनी थी, जब कब्रस्तान का काम जोर से करना था तो बबलू शर्मा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमने कब्रस्तान पूरा करके दिया। ये ऐसा बबलू शर्मा का हम पे है मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सोचो मेरे भाइयों कि अगर कोविड के जमाने में कब्रस्तान नहीं होता तो इस शहर की क्या हालत होती। आपको मालूम है कम से कम 200 लोग ऐसे हैं कि जो बंबई में रहते थे, भिवंडी में रहते थे, कुवंडी में रहते थे, विक्रोली में रहते थे, मीरा रोड, बदलापुर, अंबरनाथ, सिर्फ फर्क कर देते थे कि हमारी बॉडी वहां, हमारे रिश्तेदार की बॉडी दफन होगी। मैं तुरंत बोल देता था तुरंत आ जाओ, कब्रस्तान आपका है, कब्रस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हमारा जनता की है, तो किसी के बाप की नहीं है। वो अखिलियत की जगह है, वहां पे सियासत नहीं होनी चाहिए। 12 बजे गेट लॉक कर दिया, तुम्हारे बाप का है क्या? 8 बजे खोलूंगा, तुम्हारे बाप का है क्या? मैं एक आदमी रखो, जब चाहे कोई आए नमाज पढ़ ले, पर दफना में कुछ लोगों ने कोरोना की बॉडी आनी ही नहीं चाहिए इसलिए कब्रस्तान ही बंद रहा। अरे क्या कोरोना मिट्टी से मंगने में पहले रह गया तो क्या प्रोग्राम इतना अल्लाह का प्यारा हो गया, अरे उसकी बॉडी को दफना दे दो। तो आपने सुना और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं अलमास कॉलोनी में
समाज सेवक साकिर शेख व इब्राहिम राउत ने वफा पार्क व आसपास के लोगों से मीटिंग करके एक ज्येष्ठ नागरिक कट्टा पेपर वाचनालय और पियाऊ का काम किया जाएगा, जहां पर पिछले कई वर्षों से लोग कचरा फेंकते थे वहां पर साफ सुथरा अब करके कल से काम शुरू किया जाएगा। सुनिए साकिर शेख ने क्या जानकारी दी है। देखिए, यहां पर अलमास कॉलोनी वफा पार्क का ये जो इलाका है, यहां पर कचरे की समस्या हमेशा से रही है कि लोग जैसे जावेद भाई से हमारा पिछले दो महीने से रब्ता काम हो रहा था कि कचरे के लिए लेकर यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती है, और बोले कि उन्होंने फिर कहा, मतलब जावेद भाई से हमने जब बात की, जावेद भाई बोले कि भाई यहाँ का जो बेसिक मुद्दा क्या है, हमने उसको जानने की कोशिश करी और उसके बाद में नतीजा ये हमने इसको नतीजे में लेके आया कि यहाँ पर जो कचरा आता है ये अलमास कॉलोनी के वफा फेडरेशन का ना, ये कचरा ही नहीं है, क्योंकि कचरे की जो गाड़ी आती है इनके सोसाइटी के अंदर जाती है, सोसाइटी के कचरा वो गाड़ी में जाता है और डंपिंग में चला जाता है। यहाँ पर जो कचरा गिरता है, यहाँ वहाँ से बाहर के लोग आकर डालकर यहाँ पर कचरा डालते हैं और यहाँ पर गंदगी होती है, जिसकी वजह से इलाके के जो हल्के के लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर हमने उसका अब सोल्यूशन निकाला कि अभी क्या किया जाए, मशवरा करते गए, दिन ब दिन मशवरा किए, फिर एक दो दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी यहाँ पर पूरे वफा फेडरेशन में। फिर हमने एक प्रपोजल ऐसा रखा कि यहाँ पर जो है ज्येष्ठ नागरिक सीनियर सिटीज़न, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा और एक वाचनालय और एक पनपोई यहाँ पर लगाया जाए खूबसूरत तरीके से बनाकर, और एक CCTV कैमरा लगाया जाए, और उसके अलावा 24 घंटे के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे। सिक्योरिटी गार्ड का काम यही होगा कि यहाँ पर एक भी कचरे की थैली किसको डालने नहीं दिया जाए, और उसके अलावा अगर हमने अभी ये मशवरा किया था अगर कचरा फिर भी अगर गिरता है तो कुछ एक टाइमिंग का ऐसा हम रखते हैं कि जब कचरे की गाड़ी आए वहाँ रुके और उसके बाद में कचरा वहाँ से चला जाए, लेकिन उसका वो भी परमानेंट सलाज ये है कि अभी लोगों की डिमांड ऐसी कचरा यहाँ से हमको चाहिए ही नहीं। और ये हकीकत बात है कि कॉरपोरेशन के किसी भी रिकॉर्ड के अंदर ये स्पॉट ओपन स्पॉट कचरे का नहीं है, ये कचरे का स्पॉट नहीं है। यहाँ पर नागरिक कट्टा और पेपर वाचनालय और पियाऊ ये यहाँ पर बनाया जाएगा, इसका टोटल कितना बजट है, क्या चीज शुरू होगा, ये काम कल से ही शुरू होगा, बजट कितना है इस काम के, बजट के लेकर एस्टीमेट अभी हमारे पास एस्टीमेट हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं, वो एस्टीमेट लेकर हम जैसी भी रहेगा काम की शुरुआत करेंगे, और ये जो काम जो है सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट उनके माध्यम से किया जा रहा है। कब से शुरू होगा? कल से शुरू होगा इंशाल्लाह काम। पहले यहाँ पर जो गटर का काम शुरू होगा, ये गटर बनी जाएगी और उसके बाद में इस काम की शुरुआत होगी। ये काम जो है पूरे फेडरेशन के राय मशवरे से मीटिंग करके ही किया जा रहा है और पूरे फेडरेशन की रजामंदी से किया जा रहा है, इसमें पूरे फेडरेशन की सहमति और रजामंदी से किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के NGO के मार्फत किया जा रहा है।